नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें, बिहार के सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के रनौली गांव में एक पति द्वारा अपनी ही पत्नी व बच्चे को असफल प्रयास का मामला सामने आया है। वहीं स्वजनों ने जख्मी महिला राधा कुमारी को इलाज के लिए सीतामढ़ी शहर स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया है, जहां पर इलाज जारी है। पीड़िता के पिता रघुनाथ कुमार ने सोमवार को स्थानीय थाने में एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में रनौली गांव निवासी नंदू महतो ने गांव के ही रघुनाथ कुमार की पुत्री राधा कुमारी से प्रेम प्रसंग से शादी रचाई थी। शादी के बाद लोक लज्जा के कारण वह दिल्ली चला गया, जहाँ दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहते थे। इस बीच राधा ने 2 माह पूर्व एक पुत्र को जन्म दिया। वहीं बीते 8 अक्टूबर को त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में मतदान करने को लेकर पति पत्नी गांव लौटे थे। ग्रामीणों की माने तो दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हुई थी, जिसको लेकर पति नंदू ने अपनी पत्नी व बच्चे को जलाने का असफल प्रयास किया था। इस संबंध में थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा दी गई आवेदन के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर स्थित बुद्ध अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। वहीं जिसमें पीड़िता ने अपने पिता द्वारा लगाए आरोप को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने पति सहित अन्य ससुरालियों को निर्दोष करार देते हुए खाना बनाने के दौरान घटित घटना बताई है। उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान का ऑडियो भी उपलब्ध है। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। खाना बना दुष्कर्म हुआ है, खाना बना दुष्कर्म हुआ है, घटना किसी झगड़ा भी हुआ है घर में। क्या नाम हुआ आपका? बाहर निकल गए, बाहर निकल गया, फिर दिन पाए ठीक है, लड़े जाकर मतलब कागज फिर कर लड़की है ना जाके अभी कौन लगती है? तो है कब आग लगाई? 3 रोज पहले करवा है, 2 दिन हो गए, ये ना पूछ रहा हूँ, बोलो ना।